नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को सीधे सीधे दोषी ठहरा दिया है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर लेकर के मैं आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ। देखिए कितना गंभीर आरोप चुनाव आयोग पे लगा है कि कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट को सोमवार को चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगानी पड़ी और चीफ जस्टिस ने तो ये तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को काउंटिंग के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाया जाए और उनका सख्ती से पालन हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पे कोर्ट मजबूर हो जाएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पे होने वाली काउंटिंग को लेकर के दायर पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। पिटीशन में मांग की गई है कि इस विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए 2 मई को काउंटिंग के दौरान यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संदीप बनर्जी बहुत नाराज हुए। इतने नाराज हो गए उन्होंने ये पूछा कि जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब आप क्या दूसरे ग्रह पे थे? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को आपने रोका क्यों नहीं? बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रही। आज के हालात के लिए आपकी संस्था ही जिम्मेदार है, कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग के अफसरों को तो संभवतः हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। जो इस आयोग से जुड़े हुए ऑफिसर हैं उनके लिए उन्होंने ये बात कही कि उन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। दोस्तों ये बात अपने आप में बहुत गंभीर है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होने वाली है और काउंटिंग को लेकर के हाईकोर्ट ने 6 कमेंट किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहला कमेंट ये है, आप इसे सुनिश्चित कीजिए कि काउंटिंग के दिन प्रोटोकॉल पर अमल हो। किसी भी कीमत पर राजनीतिक या गैर राजनीतिक वजह से काउंटिंग के दिन कोरोना के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। या तो काउंटिंग से हो या फिर उसे टाल दिया जाओ। या तो काउंटिंग जो है सही तरीके से हो या फिर उसे टाल दिया जाए। लोगों की सेहत सबसे अहम है। यह बात परेशान करती है कि प्रशासन को इस बात की याद दिलानी पड़ती है और जब नागरिक जिंदा रहेंगे तभी वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे जो इन्हें लोकतांत्रिक गणराज्य में मिले हुए हैं। और आखिरी उनका कमेंट था, आज के हालात में जिंदा रहने और लोगों को बचाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें इस बात में आती हैं, सबसे पहले जिंदा रहने का अधिकार है। तो दोस्तों मेरा ये कमेंट आपको कैसा लगा, मेरा ये आपको कंटेंट कैसा लगा, ये आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।